जी, तो आज हम सुरों की तरफ आते हैं, सरगम की तरफ आते हैं। तो पहले तो आपने ये याद रखना है, सरगम के बोल क्या हैं? सा रे गा मा पा धा नी। सा और पा कायम सुर हैं और जो बाकी के पांच सुर हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि टोटल 12। अब आपने गौर करना है, मैं मोइन की तरफ जाऊंगा और उसे कहूंगा कि वो सरगम सुनाए विदाउट तबले के। मोइन जी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हमने पोजीशन रख लेनी है फ्लूट की, सेम जो मैंने पैटर्न आपको बताया था उसी तरह से। ये वाली जो हमारी फिंगर है, जब पोजीशन में हमने फ्लूट को ब्लो करने के लिए स्टार्ट होना है तो ये वाली फिंगर को हमने इधर रख देना है इस वाली के साथ, ताकि जब हम सारी फिंगर हमने उठाई हुई हो तो ये स्पॉटिंग के लिए यहाँ पर रहे, स्पॉट करे फ्लूट को गिरने से। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हमारी बेसिक सरगम से, जो कि 7 सुर हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। हम इसको एक ही फ्रिक्वेंसी में करेंगे, यानी कि एक ही ब्लो में करेंगे, जो कि ग्राम है। अब मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से, ये क्रिएट होगा सा, खाली सिर्फ ब्लो करूँगा और ये क्रिएट होगा सा। शुरू में इसमें से आवाज़ पैदा नहीं होगी, थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, आपने लेकिन जो ये वाला एंगल है आपका, ये लिप्स वाला एंगल है, इसको थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे करके मध्यम फूंक देनी है। सा करना है सिर्फ, यानी कि ये क्रिएट हो रहा है सा। तो आपने इस पे जो है थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर खड़े रहना है, खड़े रहने से मुराद अच्छा है कि थोड़ा सा मैंने ये बताऊं, प्रैक्टिस करनी है। जी जी, थोड़ा सा ही मैं बता दूं कि हमने अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है तो इसे हमने कोशिश करनी है कि इसे थोड़ी सी देर यहाँ पे खड़ा होना है। किस तरह? सांस को भरना है पहले और फिर कोशिश करनी है कि आखिर तक इसे फूंक देनी है हमने। जैसे कि आपने अभी इसमें इन्होंने आपको बताया कि किस तरह इस पे खड़े रहना है, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा कि जो आपकी यानी कि ब्रीथ पावर है उसको किस तरह बढ़ाना है। आपने जहाँ तक सांस लिया जाता है वहाँ पे सांस लेना है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, जब तक आपकी बॉडी कांप नहीं जाती, यानी कि जब तक सांस का आखिरी कतरा जब तक साथ नहीं है आपके जिस्म में ना रह जाए, तब तक आपने सांस जो है वो बांसुरी में देना है। इससे आपका जो है ना आपकी यानी कि ब्रीथिंग पावर जो है वो बढ़ेगी और आपके सांस का स्टेमिना भी बढ़ेगा फ्लूट पे जाने की, यानी कि ड्यूरिंग फ्लूट प्रैक्टिस। साथ साथ आपने ये कोशिश करनी है, अगर इस सुर पे आप देखते हैं कि आपको कुछ थोड़ा सा अबूर हासिल हो गया है तो अगले सुर को लेना है आपने। इसी तरह जब आपकी दोनों नोट्स पे प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपने सरगम की तरफ मूव करना है। किस तरह? ये मैंने बजाया है, आप चाहे नोट भी कर सकते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। यहीं से इसकी हमने असेंड बजाया है, इसकी डिसेंडिंग यहीं से स्टार्ट कर देनी है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आऊँगा कि हामिद साहब से, हामिद साहब ज़रा इसे बीट में लेकर कहिएगा जी, टेम्पो में, टेम्पो में, टेम्पो में करने के लिए ज़रा देखिएगा। टेम्पो इंतहाई ज़रूरी चीज़ है मेरे ख्याल से, ये तमाम दुनिया जो है टेम्पो को हम आगे, टेम्पो में है। आगे के जो हमारे क्या नाम लेते हैं ट्यूटोरियल्स हैं जहाँ पे हम पलटे की तरफ मूव हो गए, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा टेम्पो का, उसमें आपको जो है ना यानी कि डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। अभी जो है ये जो आपकी प्रैक्टिस मैंने आपको अभी बताई है, ये आपने दिन में तकरीबन आधा घंटा इसको ज़रूर करना है, तब आपकी 2-3 दिनों में सही होगी। अच्छा मोइन, थोड़ा सा मैं और ईजी करूँगा इनके लिए, आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है।
ये अगर समझते हैं कि कुछ बेहतर हो गया, यहाँ फिर आ जाना है, फिर यहाँ आ जाना है, फिर यहाँ, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता हमने ऊपर की तरफ जाना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमारी पावर जो है उसे ज़्यादा ज़्यादा लगाना पड़ेगा हमें अपनी पावर को। तो ये कोशिश करनी है आपने कि जैसे जैसे हमने ऊपर जाना है फूंक की मकदार को बढ़ा देना है। तो आप, मुझे यकीन है आपको कुछ इसमें पता लगा होगा सरगम के बारे में। तो इंशाल्लाह ताला हम फिर अगली क्लास के लिए आएंगे और आपको इससे आगे बताएंगे। तो क्लास के वाइंडअप पे मैं मोइन से कहूँगा कि कोई पंजाबी का गीत ऐसा, जी बल्कि मैं भी साथ दूंगा जी। मोइन गाना मैं प्ले करने लगा हूँ फ्लूट के हवाले से, क्या नाम लेते हैं इसको, बड़ी शोहरत हासिल है और ये गाना एक किस्म का फ्लूट के बगैर मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा नहीं होना था। हमारी हीरा जा मूवी का गाना है ये, पाकिस्तानी।